पौड़ी के नैनी डांडा में दर्दनाक सड़क हादसा। पीपली भवन मोटर मार्ग पर यात्री बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 48 यात्रियों की दर्दनाक मौत। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। बस हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख। सीएम रावत ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। पौड़ी में हुए इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। पीएम ने मृतकों के लिए जताई सांत्वना, साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में। दौरे के दूसरे दिन सीएम योग गुरु बाबा रामदेव से मिलने पतंजलि पहुंचे। सीएम शिवराज के पहुंचने पर रामदेव ने किया जोरदार स्वागत। हरिद्वार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर दुष्कर्म मामले पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जब तक आरोपियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। 7 जुलाई को खत्म हो रहा उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल का कार्यकाल। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के नाम को लेकर शुरू हुआ मंथन। बीजेपी कर सकती है संघ या प्रशासनिक बैकग्राउंड वाले नाम पर विचार। जनता दरबार हंगामा मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष को घर बैठे दिया घेरने का मुद्दा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र पर किया जुबानी हमला। कहा, सीएम का शिक्षिका के साथ किया गया व्यवहार काफी निंदनीय। जनता दरबार मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बचाव में उतरी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने सीएम की कार्रवाई को बताया सही। मुन्ना सिंह बोले, शिक्षिका को नहीं करना चाहिए था सीएम से ऐसा व्यवहार। उत्तराखंड भगोड़ा मामले में मसूरी पहुंची कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सुनीता सहरावत। बीजेपी पर साधा निशाना। सुनीता ने कहा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उत्तरा भगोड़ा का अपमान। मसूरी के माल रोड कुलड़ी स्थित मैफिल्ड होटल से 8 वर्षीय बच्चे की गिरकर हुई मौत। खिड़की में सुरक्षा जाली नहीं लगने से हुआ है हादसा। करीब 60 फीट नीचे गिरा बच्चा। बच्चे के सिर पर चोट आने से हुई मौत। हरियाणा के करनाल से माता पिता के साथ घूमने आया था बच्चा। रुद्रपुर में डकैती के बाद हत्या के मामले में एडीजी अशोक कुमार ने किया घटनास्थल का मुआयना। एडीजी ने घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। पुलिस को दिए मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश। रुद्रपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया है सामने। पहले नौकरी और फिर ट्रेनिंग के नाम पर हजारों बेरोजगारों से की है करोड़ों की ठगी। बेरोजगारों से करोड़ों रुपए हड़पे। मामला पुलिस के पास पहुंचते ही एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते ने दिए जांच के आदेश। अल्मोड़ा में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। मामला 2 जिलों के बीच का होने के कारण नहीं हो रही आरोपियों की गिरफ्तारी। कार्रवाई करने के बजाय सीमा विवाद में फंसी पुलिस। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद विश्व की तबीयत में हुआ सुधार। आंतों में इन्फेक्शन के बाद ऋषिकेश एम्स में कराया गया था भर्ती। एम्स के एमएस डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी ने दी जानकारी। बारिश और भूस्खलन के खौफ से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में आई भारी कमी। तीर्थयात्रियों की कमी के चलते सुनसान पड़ा केदार नगरी। धाम में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं तीर्थयात्री।